अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन कौन स्टाइल, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो है ये सिक्स टाइप्स के हम जो है फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो नंबर वन हमारे पास कौन सा होता है, टेंजेंट। सेकंड नंबर थ्री हमारे पास होता है कोटेंजेंट। फोर नंबर पे हमारे पास होता है साइन। फाइव होता है हमारे पास कोसाइन। एंड सिक्स लास्ट हमारे पास होता है कोसेकेंट। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, टेंजेंट, सेकंड, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन एंड कोसेकेंट्स। ये हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर यही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। अब इनमें जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो तीन ऐसे फार्मूला होते हैं जिनसे मज़ीद फार्मूले बन रहे होते हैं। मतलब हमारे पास अगर एक फार्मूला बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये एक हमारे पास फंक्शन फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने का। अब इसे आपके पास तीन तरह के फार्मूले बने हैं। नंबर वन कि आप अगर इनको आपके पास ये वाली गिवन हो तो वो इसकी इक्वल हो जाएगी। अगर आपके पास वन ना हो तो आप इसको इसके लेट करके ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं। दो और बन सकती है कि आपको अगर साइन फाइंड करना है तो साइन का थीटा यहीं पर रख लें, वन माइनस कोस का थीटा बन जाएगा एक फार्मूला। और अगर आपने कोस फाइंड करना है तो कोस का थीटा यही रहेगा, साइन का वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास फार्मूला इसके बन जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इस एक फार्मूले में चार फार्मूले बन रहे हैं। अब एक नेक्स्ट फार्मूला कर लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। यह आपके पास एक फार्मूला होता है। अब आप चाहें तो यहाँ पे वन की वैल्यू पुट कर दें ये टेन की जगह। आपको जैसे मालूम ही होगा कि टेन हमारे पास होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसको अप्लाई करके ये वैल्यू ला सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और लास्ट एक फार्मूला हमारे पास होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस सेकंट थीटा। ये आपके पास टोटल थ्री फार्मूलेज हैं। और ये तीन फार्मूले जो है आपके यूज़ कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और ये आपके पास छह टाइप्स होती हैं। अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें जो है ये तीनों फार्मूला यूज़ हो रहे हों। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं टाइप्स की एग्जांपल्स पे। सबसे पहले सिंपल हमारे पास अगर हम लेना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपके पास इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है कि कैसे आता है। तो अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है मतलब ये आपके पास दो हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक कि टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा डॉट टेन थीटा। और डॉट हमारे पास साइन शो कर रहा है कि आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आपस में सेम मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कल आपके पास है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये आपके पास है। अब आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप जो है सेकंड स्क्वायर थीटा का जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है वन प्लस टेन
स्क्वायर थीटा के, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स लिख दें, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है। तो आप यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा नहीं एक्स आएगा माइनस 1, या आपके पास प्लस है या आपके पास माइनस है कट हो जाएगा, तो आपके पास 10 स्क्वायर एक्स या आपके पास आपका आंसर आ गया। अब एक और सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास अगर है या कुछ और लेते हैं। ये अब थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस जो है दोनों के साथ आ रहा है, तो अगर आप दोनों को सेपरेट करके लिख लें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ये कट हो रहा है आपस में, और साइन बाय कॉस आपके पास होता है टेन थीटा के इक्वल, प्लस ये कट हो गया है, तो आपके पास सिंपल 1 रह जाएगा। अब आप चाहे इसे अरेंज कर लें, पहले 1 लिख लें फिर 10 लिख दें, तो कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि आपके पास आपको पता है जिस तरह हमारे पास ए प्लस भी अगर हो या बी प्लस, आंसर जो है आपके पास सेम ही आता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही, अगर आप 1 + tan थीटा लिख लें या 10 + थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके पास प्रूफ हो गया है कि आपके पास राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, प्रूफ। सो आई होप सो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टाइप और फॉर्मूला जो हमने पढ़े क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।